हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोह, नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा केळकर हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में है, जहाँ हर तरह के मानसिक रुग्ण का इलाज किया जाता है। वैसे मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो उसमें हम लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सक्सेस के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे हैं, उसमें बताते बातें कि जहाँ से लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे उनके लाइफ में। क्या होता है कि लोगों को अपने मन में एक कॉन्वर्जेशन, एक अपने अपने से लोग अपने से बात करते रहते हैं ना, उसको बोलते कि भाई एक आवाज़, छोटी आवाज़, एक छोटा मन अंदर चालू रहता है और उसमें कंटिन्यूसली आवाज़ चालू रहती है। इंसान अपने आप से बातचीत करते रहता है, और वो शुरू कब से होता है? जब से उसको भाषा आ जाती है, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद में करीब करीब 2 साल तक उसको भाषा नहीं आती, 2 साल के बाद में उसको भाषा आना चालू हो जाती है। और कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं उसके लाइफ में होती रहती है कि जो घटनाओं से उसके दिमाग में एक 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 ऐसे ठप्पे लगना चालू हो जाता है, और फिर वहाँ से वो अपनी ज़िंदगी बिताता है। अब आप पूछेंगे ठप्पे कौन से, तो ऐसी कोई घटना होती है जहाँ से मुझे एक ठप्पा लग जाता है दिमाग में कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना तेज बुद्धि का नहीं हूँ, मैं लोगों इतना अच्छा बातचीत नहीं कर सकता, मैं लोगों को समझा देता हूँ मगर लोग मेरा समझते नहीं, या लोग जो बोलते हैं वो मैं जल्दी मेरे समझ में आता नहीं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, या मेरा कम्युनिकेशन, मेरा संवाद कौशल्य जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे आत्मविश्वास कम है, मेरा ना ख्याल में रहता नहीं है लोग जो बोलते हो, या कुछ बातें मेरे ख्याल में रहती नहीं है, मैं काम जल्दी जल्दी नहीं कर सकता, मैं मेरा टाइम का मैनेजमेंट जल्दी नहीं कर सकता। मतलब ऐसी काफ़ी सारे एक डायलॉग, अपने आप से बातचीत अपने दिमाग में हो जाती है जहाँ से हम हमारा जीवन जीते हैं। कोई घटना हो जाती है, कोई टीचर ने कुछ बोल दिया, डैडी ने कुछ बोल दिया, मतलब पिताजी ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये जमेगा नहीं, तेरे से ये होगा नहीं, तू इतना होशियार नहीं है, तो अपने बाजू वाले बच्चों के जैसा नहीं है या उतना होशियार नहीं है, उसको तो कितने मार मिले, तेरे को तो कितने मार मिले, मतलब ऐसे कंपैरिजन करना, और उसमें उसका जो मन है, उसका जो सेल्फ है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो ऐसा दब जाता है, दबोच जाता है, डाउन हो जाता है। इसमें होता क्या है कि वहाँ से फिर वो अपना जीवन बिताना चालू कर देता है। घटना कुछ तो भी हो गई और वहाँ से वो कुछ तो भी उसका एक मीनिंग लगा देता है, एक अर्थ लगा देता है, एक इंटरप्रिटेशन करता है, और वहाँ से फिर अपना जीवन जीना चालू कर दिया। अब समझो, अपने मन में अपनी आवाज़, यदि सवेरे उठने से, सुबह हम बेड में से उठते हैं, वहाँ से यदि आवाज़ चालू रहती है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, समझो ऐसा, यहाँ से समझो मैं उठा है, मेरे दिमाग में वो पीछे, दिमाग के पीछे वो आवाज़ चालू है, वो आवाज़ ही सुनाई नहीं आती, वो कुछ डायलॉग अपने मन में चालू नहीं रहते, वो अपने पीछे रहते, बैकग्राउंड में रहते। और अभी ऐसा आदमी, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना जल्दी समझता, अब ऐसा आदमी यदि काम पे जाता है, ऐसा आदमी पढ़ाई करता है, ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस में जाता है, वो कैसा बिजनेस करेगा आप कल्पना कर सकते हैं। हमको आपको ये बताने का है कि भाई ये सब हमने हमारे बारे में एक बिलीफ बना लिया है, एक विश्वास बना लिया है दिमाग में, वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली कॉमेंट्री चलती रहती है, और वहाँ से हम हमारा जीवन जीते हैं, उसको प्रेजेंट होना जरूरी है कि भाई आया कहाँ से कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरे को जल्दी समझता नहीं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं मेरा संवाद अच्छा, ये आया कहाँ से? तो वो देखना पड़ेगा कि आप 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, 10 साल के, 15 साल के, जब भी कभी होंगे ऐसी घटना हो जाती और एक ऐसा झटका बैठ जाता, और वहाँ एक अपना डायलॉग तैयार हो जाता, वहाँ एक अपना एक स्टैम्प अपने दिमाग में लग जाता, और वहाँ से हम अपना ऑपरेट करना चालू कर देते हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना यही है कि हमको बार 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 ये प्रेजेंट होना पड़ेगा कि ये कहानी जो है, ये कहानी मैंने, मेरे बारे में मैंने बनाई हुई है, ये कोई बाहर से कोई आकाशवाणी नहीं हुई, बाहर से किसने मेरे दिमाग में ये डाला नहीं है, ये कोई घटना हुई, वो घटना के समय मैंने उसका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, मैंने उसकी कहानी बनाई, मैंने उसका अर्थ लगाया, और मैंने मेरे बारे में एक बिलीफ सिस्टम बना लिया, एक विश्वास बना लिया, और वहाँ से मैं ऑपरेट करते रहता हूँ। विश्वास देखो इतना महत्व का है, को विश्वास रहा तो आदमी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी होता है। आपको तो ये पता ही है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और काफ़ी सारे दवाइयाँ वगैरह जो रहते हैं ना, वो प्लेसेबो रहते हैं। प्लेसेबो इसका मतलब ऐसा है कि उसमें दवा रहती नहीं, वो कोई टॉनिक रहता है समझो एक आधा, एक्चुअली वो उसको
वो जो बीमारी है उसको वो दवा दी नहीं है, मगर वो इंजेक्शन दे देते, मगर वो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, ये डॉक्टर के पास में मैं गया अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये एक बिलीफ रहता है। एक्चुअली डॉक्टर उसको प्लेसेबो देता है, और प्लेसेबो मतलब उसमें दवाई रहती नहीं है, उसका एक विश्वास है कि मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने मुझे तपास लिया, डॉक्टर ने अभी मुझे इंजेक्शन दवा दे दिया, अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा, और वो अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वही दवाई एक डॉक्टर ने दिया है जिसके ऊपर उसका विश्वास नहीं है, और वही दवाई दूसरा डॉक्टर देता है जिसके ऊपर इसका विश्वास है, तो वो ठीक हो जाता है। इतना बिलीफ का महत्व है, बिलीफ से हम ड्रिवन है, हमारा जीवन वहाँ से चालू हो जाता है। तो हमको प्रेजेंट ये होना है कि बिलीफ जो है मेरे बारे में मैंने बनाया हुआ है, बचपन से कुछ ना कुछ घटनाओं से ये बिलीफ बनाया हुआ है, उसको प्रेजेंट होना है, और अपने आप का जो महानपन है कि मैं महान आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एनीथिंग इज़ पॉसिबल, मेरे लिए कुछ भी संभव है, यहाँ से यदि मैं ऑपरेट करना चालू किया तो मैं जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो बार बार वो अपने आप से बातचीत करना कि मेरे लिए कुछ भी संभव है, ये जो बात चालू है वो मेरी छोटी आवाज़ या एक इंटरनल डायलॉग है कि जहाँ से मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ उसको प्रेजेंट हो जाना, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ऑपरेट कर लिया तो फिर कुछ भी संभव है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा जो मैंने आपसे शेयर किया, आपके दोस्त होंगे, आपके लोग होंगे, उनको जरूर ये वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और डी एडिक्शन फ्री इंडिया, मतलब एडिक्शन फ्री इंडिया, तो हमारा सपना और हर एक को पावरफुल बनाना, हर एक की क्षमता उसके अंदर बढ़ाना, ये हमारे मिशन को आप ज्वाइन हो जाएंगे नेचुरली जब आप शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।